Hello everyone, welcome to my channel. It's Women's Talk and I hope you are doing really good after a long time. Like I'm uploading any kind of video और मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आगे का जो वीडियो है वो मेरा बहुत लंबा होने वाला है. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू डू योर आईब्रोज एट होम. ये आईब्रोज मैंने जस्ट अभी की है तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ हाउ आई डू एट होम, क्योंकि मैं पार्लर नहीं जाती हूँ. जैसे मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. मुझे लाइक मेल वगैरह आते हैं हम सबके लिए कि आपको अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच. एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी जो एक और काम है जो मैं घर में ही करती हूँ विच इज आईब्रोज. फेस में एक आईब्रो एक लिपस्टिक जब तक आप नहीं कर रहे हो आपको लगता है कुछ नहीं, और जैसे आपकी आईब्रो सेट है आपने लिपस्टिक लगाई हुई है आप लगता है कि आपने पूरा मेकअप कर डाला. मैं मेकअप नहीं करती हूँ यस, लेकिन मेरी आईब्रो शुड बी परफेक्ट, लिपस्टिक होना चाहिए, ये मेरा रूटीन है डेली का. और मैं जब से यहाँ आई हूँ यूके शिफ्ट हुई हूँ मैं पार्लर नहीं गई हूँ, सिर्फ एक ही बार गई थी एंड उसने मेरी आईब्रोज लाइक एक ऐसी और एक ऐसी कर दी थी. दैट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. सो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली मैं घर में ही आईब्रोज कर रही हूँ और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एक तो टाइम टेकिंग नहीं है, आपको स्पेशली पार्लर नहीं जाना होता, घर में जब मन करे तब कर लो. और ये उन लोगों के लिए भी बहुत सही है कि पार्लर तो जाते हैं बट कभी अगर कहीं जाना है और आपके आईब्रोज सेट नहीं है तो एटलीस्ट अगर आपको आता है करना तो आप झटपट झटपट कर सकते हो. तो यस, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे. और मैंने इसमें दिखाया है स्टेप टू स्टेप कि कैसे क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए आईब्रोज बनाते टाइम में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, मतलब पूरा ईच एंड एवरीथिंग. आई होप आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स नॉट फैमिली. फैमिली में तो सब लोग होते हैं जो आईब्रोज नहीं भी करते हैं, तो जिसके लिए भी ये यूजफुल हो वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर. So without any further ado, let's get started. And yes. So for making eyebrows, अभी आप ये देख सकते हो ये full growth हो रखी है. Okay. And yes, मैं try करती हूँ 20-25 days में एक बार बनाने का. Yes. So eyebrows बनाने की सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए which is thread. अगर आपके पास ये वाला thread नहीं है, ये जो आईब्रोज बनाने के लिए पार्लर्स में होता है वो, तो आप एक नॉर्मल थ्रेड जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो सिलाई के लिए जो किट यूज़ की जाती है वो. उसके अलावा एक हमें सीजर चाहिए होगी हमें जो आईब्रोज होती है उनको शेप देने के लिए, कटिंग करने के लिए अगर ज़्यादा हैवी ग्रोथ है तो. उसके बाद ये ब्रश चाहिए होता है जिसे हमें सेट करना होता है एंड लूज़ पाउडर चाहिए. लूज़ पाउडर का हम यूज़ इसीलिए करते हैं जिससे कि जब आप पाउडर लगा कर के आईब्रोज बनाओगे तो जो जो एरिया है अगर ऑयल या क्रीम है कुछ भी तो वो हट जाएगा एंड आप जब इसको थ्रेड करोगे तो वो ईजी हो जाएगा. तो ऐसे ही हमें सामान चाहिए होता है. स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको दिख पाएगा क्लियरली जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ. मैंने कैमरा इस तरह से रखा हुआ है. सबसे पहले हम थ्रेड खुद से करना है तो हमें किस तरीके से लेना होगा. पार्लर में नॉर्मली वो लोग ये तरीका होता है इनका, ठीक है, जो लोग करते हैं. अभी अगर हमें घर में करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी एक नॉट बनानी होगी. इस तरीके से कितना बड़ा हमें धागा लेना चाहिए वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी. पहला, किसी का मेजरमेंट हम फॉलो नहीं करेंगे. लाइक मेरा हाथ अलग साइज है, आप करोगे आपका अलग हाथ, यू नो, साइज अलग है. तो हमें सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं धागा तोड़ने से पहले कि जैसे कि हमें ये इतना हाथ है ना, जब हम इसको इस तरीके से चलाएं तो हम इधर को लाइक बीच का गैप कितना होना चाहिए. फॉर मी व्हाट आई डू, जो इतना है ना ये धागा, इसका मैं डबल लेती हूँ दिस मच. वो वैसे बोलते हैं कि आपके एल्बो से थोड़ा नीचे तक का धागा लेना चाहिए, इतना मैं आपको बताती हूँ. ये मैंने धागा लिया, लिपस्टिक लग जा रही है मेरी बार बार, ठीक है, दिस मच. अगर इसको हम नापेंगे तो ये कितना है डबल करने के बाद में, यहाँ तक इतना धागा लेना है. इसको हम नॉट लगा देंगे. यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताऊंगी. कई बार जब ये धागा शार्प होता है और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जब हम को क्या करना होता है, हमको इस धागे को इस तरीके से फंसाना होता है. जब अगर ज़्यादा आप इसको इस तरह से करते हो तो कभी कभार होता है यहाँ पर कट पड़ जाते हैं, जो मुझे भी कभी कभार होता है. तो क्या करें इस जगह पर, या तो आप ग्लव्स पहन लें हाथ में सॉफ्ट वाले, या फिर आप जो बैंडेज वगैरह होता है वो रैप कर लें. उसको करने से ये होगा कि आपके हाथ में कट नहीं पड़ेंगे. अब दूसरी चीज़,
इसमें जो हमें ध्यान में रखनी होती है आईब्रोज बनाते टाइम में, जो हमारी दोनों आईब्रोज आप देख सकते हो, एक की डायरेक्शन इस साइड होती है और दूसरी इस साइड होती है, तो जो इसकी जो हेयर ग्रोथ होगी मेरी राइट वो इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो जो हमको बाल खींचने होते हैं वेदर वी आर डूइंग वैक्स और थ्रेडिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन हमको निकालने होते हैं। अगर मेरी हेयर ग्रोथ इस साइड है तो मैं अगर इसी साइड में वैक्स करूँगी या इसी साइड में धागा चलाऊँगी तो बाल नहीं निकलेगा, हमें ऑपोजिट साइड चलाना है, तो और इसके लिए इस साइड चलाना है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें चलाना किस तरीके से होता है। तो ये हमने धागा इस तरीके से लिया है, इसमें हमने दोनों हाथ इस तरीके से, मेरे साइड है ये दोनों हाथ देख सकते हैं इस तरीके से, और एक हाथ को लेकर के इसको घुमा लें। मैं राइट ही हूँ तो मैं अपना राइट हैंड ही ऐसे करके कर रही हूँ और यूँ लेके, अभी दोनों हाथ मेरे बाहर की साइड है आप देख सकते हो। तो जब हमें इधर के बाल निकालने हैं इस साइड को करना है तो हमें बाल इस वाले होल में फंसाने होंगे क्योंकि हमें इसको इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे जो बाल हैं इसमें फंसेंगे वो इस साइड आएंगे। वहीं जब आपको इधर के बाल निकालने हैं, मीन्स मेरे आप अगर राइट ही हैं और अगर लेफ्ट आई के आपको बाल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड में गोल घुमाएंगे और इसको इधर लाएंगे। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ है इधर को खींचना है बाल, तो मैंने इसको बाहर की साइड किया और मैंने यहाँ जैसे कि सपोज रखा और मैंने यूं चला दिया, ठीक है, तो इस साइड के बाल खींच गए। आप अगर मैं ये सेम प्रोसेस इस साइड करूंगी, इस आंख पर करूंगी, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस एरिया को यहाँ रखना होगा और इसको चलाना होगा। अब इसको चलाने के लिए जो हाथ की डायरेक्शन है वो उल्टी पड़ रही है, इसको अगर हमने इस तरफ किया है राइट हैंड के बाल निकालने के लिए तो जो नॉट्स है हमको जस्ट ऑपोजिट देनी होगी लेफ्ट आई के बाल निकालने के लिए। तो क्या करना होगा, इसको आप अंदर की साइड करेंगे ऐसे, फिर यहाँ रखेंगे और फिर चलाएंगे इसको। जब आप फिर चलाएंगे तो जो आपकी आईब्रोज है आपको बहुत इजी होगा बनाना, देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं आपको करके बताती हूँ, मैं पहले मेरी ये वाली आईब्रोज सेट करूँगी तो आप देख सकते हैं। सॉरी वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, ये जैसे कि मैंने किया पूरा, ठीक है, क्लीन किया इधर डायरेक्शन जो है। अब मैं सबसे पहले ये लेयर जो है इसको निकालूंगी, आई थिंक मैंने कुछ पहनकर मैं इस तरीके से रखती हूँ इसको, ये अभी आप देख पाएंगे। तो मैंने इसको ये लिया, हाथ को पकड़ा, मेरे साइड है, बाहर की साइड में इसको घुमा रही हूँ, ठीक है, दोनों हाथ यहाँ आ गए। अब मैं जो ये पोर्शन है इसको जहाँ से हमको बाल कट करने हैं वहाँ मैं रखूँगी, ठीक है। और बाल कैसे रखना चाहिए कि जब आपने ऐसे डायरेक्शन बन गई है तो आपको बाल जब घुसाना है, बाल में जब थ्रेड को जब घुसाना है वो कैसे करना है कि इसका जो ये वाला जो पोर्शन है कॉर्नर वाला, इसको हमने इस तरीके से ले जाना है कि जो बाल की जो लाइन है, जो हमारा जो थ्रेडिंग का जो शेप है आईब्रोज का, वो कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब ना हो, ऐसे। और फिर मैंने इसको यूं कर दिया, आंख को चौड़ी करके रखना है जिससे कि जो स्किन है वो टाइट हो जाए, इस तरीके से। अब मैं देखा ये इधर के जो बाल है निकला है ना, अब ये जो हमने जहां के जो हेयर्स निकाले, हेयर्स सॉरी, उसी को हम लाइन बनाते हुए अपना शेप देंगे आईज का। तो सॉरी मैं शीशे की साइड देख रही हूं, इस तरीके से है ना, और फंसा दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ आप प्लग करते रहे बालों को, उसी तरीके से हमको धागे को फंसाते हुए बाहर आउटर कॉर्नर की साइड आना है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि हमें बालों को जब हम रोज बना रहे हैं आईब्रोज इस तरीके से खींचेंगे, अगर इस साइड को ले जाएंगे तो स्किन हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, हम इसको टाइट भी नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको मार्क बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। तो हमेशा क्या करें कि बाल को ज़्यादा रफ ना खींचते हुए छोटा छोटा पोर्शन लें और
इस तरीके से खींचें, जैसे हम प्लकर यूज करते हैं बाल खींचते हैं उसी तरीके से यूज करें। एंड एक बार में नहीं आएगा, टू बी हॉनेस्ट, ये प्रैक्टिस जब आपको घर पर आईब्रोज बनानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड जितनी बार आप बनाएंगे, आपको खुद से आपके फेस पर जब आप इस थ्रेड को चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपके फेस के लिए कंफर्टेबल हो रहा है, क्या पोजीशन कंफर्टेबल हो रही है, कितना दर्द आप बेयर कर सकते हैं, आपकी स्किन कितना टाइट हैंड ले सकती है नहीं। तो जितना जितना आप बार बार करेंगे आपको पता चलेगा। तो मैं एक बार ही बना करके आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे ही ऊपर भी यही करना है, ऊपर साइड भी। और इसी तरीके से हम, आप देख सकते हो, ये मैंने एक बेसिक सा शेप, जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे वो सारे हटाए हैं मैंने। और उसके बाद हम इसको शेप देंगे जैसा भी आपको देना हो, जिस तरीके से मेरी आईब्रोज जैसे कि आर्च शेप है तो मैं वो, अगर आपकी राउंड है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और ये आईब्रो आप देख सकते हो कैसी थी और कैसी हो गई है, थोड़ा सा भी शेप दे तो आपको पता चलता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी पूरा सेट कर लेंगे। अब आप दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते हो, राइट। तो इधर का जो फॉरहेड होता है वही सेम डायरेक्शन होती है, उसको भी हम इसी तरीके से करके सेट कर लेंगे पूरा। ठीक है, अब बारी आती है इस आईब्रो की। तो पाउडर मैं सॉरी ऑलरेडी लगा चुकी थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, मैंने वो स्टेप मिस कर दिया। अब हम इस वाली में जाएंगे तो मैंने धागे को खोल लूंगी। ठीक है, और अभी जो हमने इस साइड किया था उसका मैं अब ऑपोजिट साइड लूंगी। और अब इस वाले पोर्शन में हमको बालों को फंसाना है और इससे हम खींचेंगे। तो जैसे कि ये, जैसे कि डायरेक्शन आप देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आपको शेप में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आईब्रो पेंसिल होती है उससे आप पहले शेप बना लें आईब्रो का, उसके ऊपर ऊपर की हटाना स्टार्टिंग में आप यही करें। जब आप घर पर बनाने स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप ड्रॉ करें अपनी आईब्रो को, उसके बाद आप थ्रेड करें, उससे आपकी आईब्रो खराब नहीं होगी एंड प्रैक्टिस के लिए वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी मुझे पता है कि शेप क्या है और ऊपर ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है तो मेरे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हेयर नहीं आते हैं। तो अभी मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई वुड राउंड इट इन इनवर्ड्स और फिर इस साइड से जा करके इस साइड से इसको खींचूंगी इस तरीके से। देखा, इफ यू कैन सी, बस इस तरीके से हम इस आईब्रो को भी सेट कर लेंगे और फॉरहेड एरिया भी इसी तरीके से हम सेट कर लेंगे पूरा बस। और उसके बाद जब बीच में जब हम आईब्रो सेट करना है तो बीच के लिए है कि पहले इधर का निकालूंगी, यहाँ जो है एंड उसके बाद इस तरीके से करके हम इसको भी सेट कर लेंगे। और जब अपर लिप की बात करते हैं तो अपर लिप में भी ये वाले जो एरिया है ये साइड को होती है, ये साइड को होती है, तो इसको करने के लिए, ये एरिया को करने के लिए वी हैव टू प्लेस द आवर टंग हियर।
और पूरा मैंने लिपस्टिक लगा लिया इस तरीके से. और जब इस तरीके तरफ का है तो हमको फिर से इसको अंदर लेना होगा और ये वाला डायरेक्शन. और जब ये करना होगा तो ऐसे. Like this. ऐसे हम ये भी सेट कर लेंगे. तो मेन आईब्रोज हो चुकी है. मैं इसी तरीके से इसको और भी पूरा सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक बार दिखाती हूँ. तो बस ये जो मैंने सेट कर ली है आईब्रोज, एंड देख सकते हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल थे. मेरी आईब्रोज बहुत ज्यादा थिकी हैं और मैं पतली नहीं करती हूँ इनको बिल्कुल भी. ठीक है, जिस जिस तरीके से मैंने इनको बनाया है. और आप आपके हिसाब से जो शेप आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं. थोड़ा थोड़ा रह गया था बाहर, तो मैं क्लियर तो की थी. मेरी थोड़ी सी आईब्रो ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट है. ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, ये छोटी लगती है मुझे. लोग बोलते हैं कि अलग अलग होती, तो ये इस तरीके से. और अब मैं इनको कट कर लूँगी. तो कट करने के लिए आपको जो डायरेक्शन होती है आपको उस हिसाब से इसको ब्रश करना होगा. एंड इस तरीके से आप इनको, सबके आईब्रोज में जरूरत भी नहीं होता कट करने का, मेरे में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे करने को पड़ता है इस तरीके से. तो यस, इस तरीके से ही मैं आईब्रोज बनाती हूँ. और मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है जाने की बहुत ज़्यादा. जब से यहाँ आई तब से तो मैं गई ही नहीं हूँ. तो इसी तरीके से मैं घर पर आईब्रोज करती हूँ. पेन ज़्यादा नहीं होता है, बट यस इट नीड्स प्रैक्टिस. जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अच्छे से आपकी आईब्रोज आप सेट कर पाओगे. तो यस, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपका कोई भी सजेशन है या कुछ है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड होप आपको अच्छा लगा होगा. एंड यस, प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स, गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इस तरह से जो भी हैं, जिसको भी पार्लर के काम करना लाइक के अपने स्किन केयर ब्यूटी केयर अच्छा लगता है, प्लीज उन सबके साथ शेयर करिएगा. एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.